हेलो एंड वेलकम बैक टू कार्तिक चौहान। मैं हूं कार्तिक चौहान और आप देख रहे हैं एक और बजट ट्रिप का वीडियो। आज हम जा रहे हैं भाईंदर वेस्ट में, उत्तन बीच। उत्तन बीच जो है ये रिलेटिवली उतना एक्सप्लोर्ड बीच नहीं है। गोराई तो आपने खैर सुना ही होगा, या एटलीस्ट ज़्यादातर लोगों ने तो सुना है गोराई के बारे में। उत्तन बीच जो ये गोराई के भी पहले आता है। फाइनली सो गाइस, फाइनली भाईंदर स्टेशन पहुँच गए हम। अभी नीचे अंशित और मुकुंद यानी अपना सूर्यवंशी, याद होगा आपको पहले ब्लॉग से, हम लोग से मिलूँगा। हमारा एक और फ्रेंड है पवन, हम शायद तक भी तो वो भी आ रहे हैं, वी आर नॉट श्योर। तभी हम लोग यहाँ से बस स्टॉप पे जाएंगे और एक नंबर का बस लेंगे और जर्नी शुरू करेंगे। तो गाइज ये सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये विरार साइड से पहला जो ब्रिज है भाईंदर का, वो लेके आपको वेस्ट में आना और वहाँ से फिर चलते हुए ये रहा बस स्टॉप। यहाँ से एक नंबर बस मिल जाएगा। अभी हम लोग जो है वेट कर रहे हैं बस का, बस आए तो जाए। मुकुंद खाना खा के नहीं आया है तो भाई अभी गए हैं अपने लिए वड़ा पाव लेने पार्सल। तो एक्चुअली अभी रेस चालू है, पहला मुकुंद आएगा कि पहले बस आएगा। अगर बस आता तो हम लोग शायद बस ले लेंगे। नहीं ऐसा 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 नहीं हो, या शायद हो जाए, देखते। एक नंबर की बस आ गई है, लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारा आदमी अब तक नहीं आया जो वड़ा पाव लेने गया था खुद के लिए। पता नहीं कहाँ है मुकुल। तो अभी 13 मिनट है दूसरे बस को आने में, सिर्फ इसके कारण, इस आदमी के वजह से। इसको अपन इधर छोड़ के जाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या ट्रिप पे? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। तूने बोला था कि 3 जन हो तो अच्छा है, 3 से ज्यादा हो तो अच्छा है। हाँ तो वो तीसरा आ रहा है ना, डाउनलोड हो गया, तो चौथा है ना भाई, अभी ड्यूटी पे। ड्यूटी या ड्यूटी? ड्यूटी भाई, ड्यूटी पे भाई आएंगे। नहीं भाई ये चीज अगर है ना वीडियो पे डाल के मैं शेयर करूंगा ना, तेरा मर्डर है पहले तो। नहीं नहीं मेरा मर्डर नहीं होगा, वो आदमी शेयर नहीं करेगा फिर। शेयर खाली ये होगा, ये करेगा और मैं तो खैर करूंगा, मेरा ही वीडियो है। तो फाइनली बस मिल गया हम लोग को, करीब 20 मिनट वेट करने के बाद मिला ये आदमी के वजह से। अंशित सर जर्नी के बारे में क्या बोलेंगे आप? बस आपके साथ है रहे कि हम लोग को नई नई जगह घूमने मिल जाते सस्ते में। तू तो बोलने योग्य है नहीं, लेकिन फिर भी सेम। कभी तो अपने लाइन लाया कर में। तो ये है सुभाष चंद्र बोस मैदान। हम लोग यहाँ पे मतलब हम क्रिकेट वगैरह खेलने आते थे पहले, अभी भी लोग खेलते ही है। ये देखो ये पूरा मैदान उसी का है। अभी तो यहाँ पे काफ़ी बेटर कर दिया है लोग ने, मतलब ऐसे पानी वानी का और ये सब कुछ, वरना पहले इतना नहीं था, पहले ये पूरा सिर्फ मैदान ही था नॉर्मल। और अभी तो ये नेट्स वेट्स भी सारे आ गए तो अच्छा लग रहा है देख के। वैसे मैच का इंतजाम करना। हाँ तो भाई हम सूर्यवंशी सर ने बॉल लेके आए हैं, मगर हमें इतना जल्दी बताया इसने कि बैट लाना है। हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे उस समय तक, तो सब गड़बड़ हो गया। अभी हमारा एक और बंदा है वो अभी ड्यूटी पे गया है, ड्यूटी तो जाएगा तो पहला टेक, ये नहीं जाएगा, टेंशन मत ले, ये लास्ट में आएगा ब्लूपर्स। हम लोग फाइनली पहुंच गए अपना उत्तन नाका, पीछे रहा अपने बस स्टॉप, हो रही अपनी बस। और तो अराउंड 20 मिनट लिए है इसने पहुंचाने में और 17 रुपया पर पर्सन हुआ है अभी तक। अभी हम आगे का जर्नी शुरू करते हैं। यहाँ जेठालाल दया बबीता पोपट हुए। हाँ अभी यहाँ से सीधा जाएंगे, सीधा सीधा ही रास्ता है और उत्तन बीच आ जाएगा अपना। हम पहुंच गए उत्तन बीच,
और मज़े की बात यह है हम लोगों ने अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाया और हमने जानबूझ के एक लंबा रूट लिया। हाँ, तो अगर आप पूछ रहे हो व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज 100% ऑफ योर ब्रेन, यू टेक सच सीनिक रूट्स जहाँ पे मतलब वर्थ है। क्या हो गया, भागना? ये आदमी हमें सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से हम भाग के जाए नीचे, तो मैंने बोला चल। हाँ, यू डू बी फॉलो। हाँ, अरे एकदम रुक जा भाई, इनको इनको जाने दे वरना इनके साथ तू भी जाएगा। हाँ। सॉरी, इनको लेके रोल होके। हाँ। चल बाग। क्यों, क्या हो गया कुत्तों, देख के डर गया। पहुंच गए मुत्तन बीच, ये अंदर जो रोड जा रहा है ना सामने वाला, यहाँ से आप सीधा जाओगे तो बीच आएगा। यहाँ पे छोटा सा पार्क जैसा बना रखा है, आप चाहो तो ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये है अपना व्यू भाई, व्यू देखो। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्शा भी आता है, इसका शेयरिंग प्राइस क्या है ये हम बाद में पता करके मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। और बाकी यहाँ पर ये एक क्या बोलते बना रखा है इन्होंने, ऊपर भी है घूमने फिरने का। अभी तो हम पहले बीच जा रहे हैं, फिर बाद में आते टाइम में भी ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप बाहर पार्क में बैठ भी सकते हो यहाँ पे। और मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जो बीच है ना, यहाँ मैं बहुत पहले आया था, हमारा ग्रुप था टैलेंट हंटर्स का कॉलेज के टाइम पर, तो हम तब यहाँ पे आए थे क्या बोलते हैं पिकनिक बनाने। अब यहाँ पे हमने फिर ट्रेजर हंट और बहुत सारी चीज़ें की थी, एंड पुरानी यादें ताज़ा। और ये सामने जो है वो प्रॉपर बीच आपको दिख रहा होगा, आप इसमें जितना अंदर ऐसे जाओगे ना तो और भी अच्छी अच्छी यू नो सीनिक व्यूज आपको मिलेंगे। उत्तन बीच इज हियर। यहाँ पे भी आपको ऊपर रॉक्स वाला व्यू चाहिए, आप वहाँ बैठ जाओ, थोड़ा और अंदर जाके लेफ्ट मारोगे तो ग्रीनरी वगैरह और सब कुछ मिलेगा। कैसा लग रहा है इधर पहुँच के? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को लगा नहीं था गोवा का थोड़ा भी व्यू आएगा, लेकिन देख के अच्छा लग रहा है। बस तो यहीं पे वो खटिया डाल के बैठ जाते हो गया, खटिया मिलनी चाहिए। और सर आपको आपको कैसा लग रहा है? सर अपनी वाली को याद कर रहे हैं, गर्मी लग रहा है, धूप लग रहा है, लेकिन इट्स गुड बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है पहुंच के फाइनली। 10 किलोमीटर चल के, 10 किलोमीटर इतना झूठ तो तू भी मत बोल। हाँ भाई, 10 किलोमीटर कौन सा? 10 किलोमीटर किधर चल, इतना भी सच नहीं बोलना होता। झूठ भी बोलना होता है वो नहीं, लेकिन जिस हिसाब से हम चल के आए हैं तो 10 किलोमीटर भाई अपन ऊपर नीचे पूरा ट्रैक करते हैं पहुंचे। ये सच है, हम लोग लिटरली ट्रैक करके बीच पे पहुंचे हम। समझ रहे हो, जब हमने हमारे दिमाग का 100% यूज किया तो हम बीच पे पहुंचने के लिए ट्रैक करके आए। क्या मस्त ठंडा ठंडा पानी लग रहा है, लग रहा है ऊपर से गर्म हो रहा है, नीचे से ठंडा होते जा रहा है। जूता पहन के जाते, फिर लास्ट मिनट तीनों ने डिसाइड किया कि छोड़ जा रहे हैं, चप्पल ही पहन के जाते इंडिविजुअली विदाउट प्लान। अबे वो लोग नहा रहे उधर, वाह लहर आके गई बेटा, तो वहाँ पे ध्यान देना। उसकी क्यों फंस गया? चल चल चल, सूर्यवंशी है तू, चल जल्दी चल। ये अरे हाँ भाई, खाने पीने का तो हमारे पास है, आना है तू, हाँ, नहीं आने पता। हम लोग फाइनली ऐसी ऐसी जगहों से होते हुए पहुंचे हैं। अपन वहाँ से इसके लिए निकले कि पूरा भीग चुके थे पानी में, वही ना रहा भी नहीं था। आ रहा है अपना सूर्यवंशी, इस पे तो मैं स्लो म्यूजिक भी नहीं दे सकता, पता है तेरे को पीछे ऐसी हरकत है तेरी। कूद क्या इधर सुपर कॉप। Now, bye, go see.
वाह क्या बात है। वॉक देखी ना इसकी बस। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, मतलब हम वहां से वो जो लास्ट हिस्सा दिख रहा है आपको लैंड का, मतलब नहीं दिख रहा है मुझे, ही दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं आ रहा है एक्सपोजर के कारण, बट मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब हम तीनों को ऐसा लग रहा है बहुमत से कि हम उत्तन से चलते हुए गोराई बीच पहुंच गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये गोराई बीच है कि कौन सा बीच है, लेकिन बीच आए हमको ही तो। हाँ,